हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान, एक दल के प्रभुत्व का दौर। चलिए इसमें आगे पढ़ेंगे कि पहले तीन चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो प्रथम आम चुनाव में सभी को यही आशा थी कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। जैसे आप जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, परीक्षा में तो हमको आशा रहती है कि हम अपनी परीक्षा में सफल होंगे, उसी तरह चुनाव में भी प्रत्याशी यही चाहते हैं कि हम ही विजयी होंगे, हमको ही बहुमत मिलेगा। तो उसी तरह प्रथम आम चुनाव में भी सभी को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, क्योंकि यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था और स्वाधीनता संग्राम में भी इसी के नेतृत्व में लड़ा गया था, और जब इसके परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी को बहुत अधिक भारी बहुमत प्राप्त हुआ। इससे लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 479 सीटों में से 364 सीटें जीती। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराए, जो मद्रास, उड़ीसा, त्रावणकोर, कोचीन, जिसको आजकल वर्तमान में केरल कहते हैं, को छोड़कर पूरे देश में कांग्रेस का ही बहुमत था। इसके बाद द्वितीय आम चुनाव जो हुए थे सन 1957 में, जब द्वितीय चुनाव हुए जिसमें लोकसभा 494 सीटें थी, इन 494 सीटों में से 371 सीट पर कांग्रेस क्या ने विजय हासिल करी। कांग्रेस का बहुमत था जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। दूसरे स्थान पर थी कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरे स्थान पर थी सोशलिस्ट पार्टी। तो सबसे पहला बहुमत हासिल किया था कांग्रेस ने और दूसरे स्थान पर थी कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरे स्थान प्राप्त किया था सोशलिस्ट पार्टी ने कुल 494 सीटों में से 371 कांग्रेस के उसमें गई बहुमत में, बाकी की सीटें कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी। तृतीय आम चुनाव जो 1962 में हुआ था जिसमें लोकसभा की 494 सीटों में से कांग्रेस ने 361 सीटों पर जीत हासिल की। प्रथम आम चुनाव हुए थे उनमें भी 490 की लगभग सीटें थी, उनमें 364 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। द्वितीय आम चुनाव हुआ जो सन 1957 में हुआ था उसमें 494 सीटें थी और 371 कांग्रेस ने जीती थी, और तृतीय आम चुनाव जो 1962 में हुआ था उसमें भी 494 सीटें थी और कांग्रेस ने 361 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः कम्युनिस्ट व सोशलिस्ट पार्टी रही, परंतु इस चुनाव में पहली बार स्वतंत्र पार्टी ने भी 18 सीटें प्राप्त की थी। ये देखिए आप, इधर कांग्रेस का प्रभुत्व रहा 1952 से लेकर 1967 तक। आप इसमें देखेंगे 1953 से ये पूरे में क्या है, कांग्रेस पार्टी, फिर है केरल लोकतांत्रिक, जम्मू और कश्मीर में ये जो हिस्सा है ये जम्मू और कश्मीर का हिस्सा, यहाँ पर कम, और बाकी के हिस्सों में कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल करके पूरे में अपनी क्या कर ली थी, अपना बहुमत हासिल कर लिया था। जो कांग्रेस का प्रभुत्व सन 1952 से लेकर 1967 तक में था। अब है कांग्रेस के प्रभुत्व और प्रभुत्व के कारण। तो कांग्रेस का जो प्रभुत्व था उसको इतना बहुमत हासिल हुआ था, इतनी विजय
स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस एक संगठित दल था और स्वतंत्रता के पश्चात इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने जिनके करिश्माई व्यक्तित्व के आगे अन्य दलों के नेता पीछे रह गए और स्वतंत्रता के समय व उसके बाद गठित दलों का संगठन कांग्रेस पार्टी की तुलना में कमजोर था। फिर है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। तो कांग्रेस के में किसान से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति तथा प्रत्येक जाति धर्म समुदाय गांव शहर सभी के निवासियों को बराबर महत्व दिया गया जिस कारण कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। फिर है कि स्वाधीनता संग्राम में योगदान। कांग्रेस पार्टी ने ही नेतृत्व में भारत का स्वाधीनता संग्राम हुआ था और इस कारण कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन का वारिस भी माना गया जो कि स्वाधीनता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अनेक व्यक्ति कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। इनके स्वाधीनता संग्राम में योगदान को देखकर लोग अपना वोट दे देते थे। फिर है मतदान प्रणाली का स्वरूप। सन 1952 से 1967 जिसमें कि कांग्रेस का प्रभुत्व रहा सन 1952 से 67 तक, इसके बीच कांग्रेस के वर्चस्व के अन्य कारणों में एक प्रमुख कारण भारत की निर्वाचन प्रणाली थी। इस निर्वाचन प्रणाली में मतदान की जिस पद्धति को अपनाया गया था उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में जिस पार्टी को किसी क्षेत्र में सबसे अधिक वोट मिलते हैं उस सीट में उसे ही विजय घोषित कर दिया जाता है, भले ही उस क्षेत्र के मतदाताओं के बहुमत का समर्थन उसे प्राप्त ना हो, लेकिन उसको अगर मत अधिक प्राप्त हुए हैं तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि सन 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने देश की कुल मतों के 45% मत प्राप्त किए, लेकिन उसे लोकसभा के कुल सीटों में 74% सीटों पर सफलता मिली थी। वहीं दूसरी समाजवादी पार्टी को देश के कुल मतों का 10% ही प्राप्त हुआ था और उसकी सीटों की संख्या 3% से भी कम रही। इस तरह देश के कुल मतों का बहुमत गैर कांग्रेस दलों को प्राप्त हुआ, लेकिन उनके वोट विभाजित हो गए और उन सीटों की संख्या कम हो गई। मतदान की यह प्रणाली भारत में आज भी लागू है। कई बार आलोचकों द्वारा इसके स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाए जाने की भी बात कही जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी पार्टी को लोकसभा में उतने ही प्रतिशत स्थान प्राप्त होंगे जितने प्रतिशत मत उसे चुनाव में प्राप्त होते। फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का व्यक्तित्व। तो कांग्रेस का नेतृत्व आजादी के समय से ही जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों में था और आरंभ से ही उन्हें महात्मा गांधी का भी समर्थन प्राप्त था। उनके उदारवादी व्यक्तित्व के कारण कांग्रेस में एक करिश्माई नेतृत्व उत्पन्न हो गया। इसका पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ। नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है और विदेशी मामलों में उन्हें विशेष ज्ञान भी प्राप्त है। ये है कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत में बहुदलीय मत प्रणाली है, दल प्रणाली है, तो भारत की एकमात्र ऐसा देश है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अगर दुनिया के बाकी मुल्कों पर हम ध्यान दें तो हमें यह पार्टी के प्रभुत्व में बहुत से उदाहरण मिलेंगे और बाकी में एक पार्टी के प्रभुत्व देशों
सीरिया के की संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है। और कुछ देशों में जैसे म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी सैनिकों का चलते था। अब से कुछ साल पहले तक मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान में भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से वोट की। तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव में जीतती चली गई। दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद की समाप्ति के बाद अफ्रीका नेशनल कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही दबदबा था। भारत इसका उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता। कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़े स्वाधीनता संग्राम की विरासत में। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में भी देखा गया, जो आजादी के आंदोलन में अग्रणी रहे। और अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल अभी अभी रणनीति की सोच रहे थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास और उसके बाद कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला। आजादी के वक्त यह एक पार्टी देश में चारों ओर फैल चुकी थी। आप यह बात दिए गए मानचित्र में देख चुके हैं। अभी हमने जो नक्शा देखा था उसमें देखा था कि हर चुनाव में कांग्रेस ने अपनी बहुत भारी बहुमतों से फतह हासिल की। फिर इस पार्टी के संगठन के नेटवर्क इस खाली स्तर पर पहुंच चुका। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आजादी के आंदोलन तो में अग्रणी रहा और जिस उसकी प्रकृति सबको समेट कर मेल जोल के साथ आगे चलने लगे। फिर राज्य स्तर पर भी कांग्रेस का वर्चस्व था, जो स्वतंत्रता के पश्चात तीन चुनावों में केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गैर कांग्रेसी शासन का उदय होने लगा था। और 1957 के दूसरे आम चुनावों में कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, परंतु कुछ कारणों के बाद 1959 में वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर उसे अपदस्थ कर दिया। 1959 में राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाकर कांग्रेस के सामने चुनौती पेश की, जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं था, वहां नेशनल कांग्रेस का आदेश था। 1962 के चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की स्थिति पहले के समान मजबूत रही, क्योंकि कांग्रेस का दल एक सुसंगठित दल था, लेकिन राज्यों में इसकी स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। इससे चिंतित होकर नेहरू ने अपने कुछ मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों को सत्ता से हटाने की योजना बनाई, जिसे सन 1963 में कामराज योजना के माध्यम से लागू किया। कामराज ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए उसके वरिष्ठ नेतागण सरकार छोड़कर संगठन में काम करें। और 1963 में दिल्ली में कांग्रेस का कार्य समिति ने इस प्रस्ताव को पास किया। इसके बाद 6 केंद्रीय मंत्री और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपना त्याग पत्र दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।